कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई मुख्यमंत्री और कई राजनेता जो कांग्रेस के थे वे पुत्र मोह में पड़ गए और इस वजह से पार्टी के अन्य उम्मीदवारों पर ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने सारा समय अपने पुत्रों की को जिताने के लिए दिया। कुल मिलाकर इस टिप्पणी के बाद राजनीति बेहद गर्मा गई, क्योंकि कमलनाथ ने अपने पुत्र नकुलनाथ को खड़ा किया छिंदवाड़ा से, और नकुलनाथ ही एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जो पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट जीते। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद पराजय वाली बात थी, क्योंकि वे छिंदवाड़ा फतह नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने शिवपुरी जैसी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए भी नकुलनाथ की जीत बेहद मायने रखती थी, लेकिन राहुल गांधी की टिप्पणी ने कमलनाथ को भी घेरे में ला दिया है। उनका यह मामला राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत तक भी पहुंचा। अशोक गहलोत के पुत्र भी चुनाव मैदान में थे और अशोक गहलोत भी उनके लिए बेहद मेहनत कर रहे थे। कुल मिलाकर उनकी इस टिप्पणी के बाद राजस्थान के एक मंत्री ने तो इस्तीफा देने तक की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मंथन चल रहा है उसमें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा विधानसभा क्षेत्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया गया। कुल मिलाकर उनके इस इस्तीफे को हालांकि स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे पर भी यह टिप्पणी लागू होती है। इस तरह से कांग्रेस के तीन दिग्गज कुल मिलाकर घेरे में आ गए, जिसमें अशोक गहलोत, कमलनाथ और पी चिदम्बरम शामिल है। देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद आने वाले समय में और क्या उठापटक होती है कांग्रेस में। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।